आज मैंने व्हाइट बीन्स बनाए थे। बीन्स को मैंने उबाल लिया था और प्याज भी काट ली थी, टमाटर काट लिए थे और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी थी। ऑयल डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच और फिर ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज अच्छी सी सुर्ख सी हो गई थी तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे 2 काट के, लहसुन अदरक साथ डाल दिया था और फिर मसाले रखे थे, जीरा नमक लाल मिर्ची हल्दी वो भी डाल दी थी। और बीन्स तो मैंने उबाल लिए थे, वाइट बीन्स थे मेरे पास। और इसको हम मेमन में चोरे भी बोलते हैं। और आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। मसाला देखे कितना अच्छा भुन गया था, और जब मसाला भुन गया तो मैंने इसमें वाइट बीन्स डाल दिए थे। और ये सब्ज़ी खानी चाहिए और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है और पकती भी बहुत अच्छी है। आप कीमे के साथ भी इसको पका सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया था। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमारी दूसरी रेसिपी है मछली का सालन यानी फिश कड़ी, इसको हम फिश कड़ी भी कहेंगे। और मछली का सालन हम बनाएंगे। तो मैंने ले ली है ये सुरमाई फिश, और मैंने ले ली है दही, 1 पाव दही ले ली है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। प्याज मैंने ले ली है और मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, और ये हल्दी। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगी कि मैंने आज लिया है ये फ्राई फिश मसाला, चिकन फ्राई फिश। ये है फ्राई का, मगर मैं इसको डालूंगी थोड़ा सा ग्रेवी में इसकी। और इसकी एक और वजह है, ये शान का मसाला है। इसकी वजह एक ये है कि कल मेरी वीडियो में, जो कल मेरी एक्सपो की वीडियो थी, उसमें इसकी मुझे एडवर्टीज़मेंट इसकी थी, तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मसाले शान के हों या मसाले नेशनल के हों तो मुझे अच्छे लगते हैं। जब मैंने पकाना नया नया सीखा था और जब मुझे पकाने नहीं आता था एक एज में, तो मैंने इन्हीं मसालों से सब सीखा है। नेशनल के मसालों से भी सीखा है और शान के मसालों से सीखा है। तो मुझे कल शान की एडवर्टीज़मेंट आई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज मैंने सोचा कि मैं मछली बना रही हूँ तो ये पहला मैं ये ट्राई करूँ, शान का फ़िश फ्राई मसाला। तो मैं आज ये भी अपनी ग्रेवी में, फ़िश कड़ी में ये भी डाल रही हूँ, इसकी ये वजह है। और इसको भी मैं 1 चम्मच, 1 टीस्पून ये भी डालती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं जो है वो मसाले फिश में लगा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट डालूंगी और डायरेक्ट ही इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। ये मसाले आप इस पे लगा के भी रख सकते हैं, सारे मसाले जो भी ये हैं, लेकिन मैं इसमें अभी कोई भी मसाला इसमें चढ़ाऊंगी नहीं। मैंने इसको साफ़ सुथरी धो ली है फ़िश को, और लेमन से धोइए और लहसुन अदरक से धो के, साफ़ सुथरी धो के इसको मैंने यहाँ पे रख दी है, इसलिए इसमें कोई भी हीक नहीं है। वैसे भी आप अच्छी सुरमाई लें तो इसमें वैसे भी हीक नहीं होती है। तो ये साफ़ सुथरी अच्छी सुरमाई ली थी मैंने। और मौसम में, ये इस सर्दी के मौसम में आप फ़िश खाएं, बहुत अच्छी रहती है, सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। विटामिन ई की एक बड़ी सोर्स है फ़िश। बालों के लिए अच्छी रहती है फ़िश, और घुटनों के दर्द के लिए, और जो पैरों का दर्द होता है, विटामिन ई की कमी होती है जिनको, उनके लिए भी अच्छा रहता है। आँखों के लिए मछली बहुत बेहतरीन है, बालों के लिए मछली बहुत बेहतरीन है। तो आप ये यूज़ करें, और बच्चों को भी किसी तरह इसके कोई कबाब बना के या किसी तरह भी आप इसको बच्चों को भी इसका थोड़ा पोर्शन, ज़्यादा नहीं थोड़ा पोर्शन इसको खिलाया करें। अच्छा जी, तो अब मैं इसको रेडी करने लगी हूँ। दे आइए साथ इसको शेयर करती हूँ आपसे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया और प्याज मैंने छोटी काटी थी ताकि प्याज जल्दी गल जाए, और मैंने इसको लाल करने के लिए प्याज को रख दिया था। मैंने 2 बड़ी प्याज़ें काट ली थी इसमें ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लगा तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाल लिया था। अच्छी सी लाल सी हो गई थी प्याज, और फिर मैंने इसमें फौरन मछली के टुकड़े रख दिए थे। और देखिए मैंने इसमें कोई मसाला नहीं लगाया था,
क्योंकि वर्किंग वुमेन होती हैं वो फौरन आकर काम ऐसे करती हैं। फिर इसमें मैंने फटी हुई दही डाल दी थी और लहसुन अदरक भी डाल दिया था, इसमें पिसे हुए मसाले भी डाल दिए थे, साथ ही सब डाल दिए थे। अगर आपको मसाला लगा के ना रखनी हो तो आप इस तरह से भी इसको आराम से बना सकते हैं। चावल भी मैंने बहुत खुले खुले अच्छे चावल भी डाल दिए थे ज़ीरे वाले, क्योंकि मछली का बहुत अच्छा सालन हमारे पास इतनी अच्छी ग्रेवी के साथ रेडी था। और देखें मछली भी बिल्कुल नहीं टूटी थी और हमारे पास ये वाइट लोबिया का सालन भी बिल्कुल रेडी था, भुना भुना सा। रोटियां भी हमारी बिल्कुल रेडी थी गर्मा गर्म और चावल भी ज़ीरे वाले मैंने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शाम बख़ैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल और शाद आबाद रखे और अल्लाह पाक सब लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए। मेरी यूट्यूब फैमिली तमाम खुश रहे, आबाद रहे। और शाम का वक्त है, आज सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने रेसिपीज़ दी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। फ़िश की भी बहुत आसान सी रेसिपी दी है मैंने। और अब मैं चाय पी रही हूँ, शाम का वक्त है और कुछ देर बाद मैं किचन में दोबारा जाऊँगी और ताज़ी ताज़ी रोटियाँ, गर्म गर्म की रोटियाँ करूँगी डिनर के लिए। और आगे जो भी होगा शेयर करूंगी, रात को डिनर की तैयारी शेयर करूंगी आपसे। और एक और फिश पे मैंने अभी मसाला लगा के रखा है फ्राई फिश पे, तो मैं वो अभी तलूंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी आपसे। तो पहले मैं चाय पी लूं और फिर मैं 7 बजे पूरे किचन में जाती हूँ। अभी बजे 7:15 और मैं चाय के बाद किचन में जाती हूँ, अभी फिर आपके साथ वहाँ मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ रात के लिए, अब डिनर के लिए रोटियाँ। और आजकल सर्दियाँ हैं तो फिर गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो हम 2-4 रोटियाँ ज़्यादा बना के रख देते हैं तो सब्ज़ी या किसी चीज़ से रात को काम आ जाती हैं, लेकिन सर्दियों में मर्द हज़रात जो है ऑफिस से आते हैं तो फिर सर्दियों में इनको ठंडी ठंडी रोटियाँ नहीं खिलानी चाहिए, वैसे भी गर्म रोटियाँ खिलानी चाहिए, वो ऑफिस से आते हैं। तो अब मैंने सोचा कि आज मछली है, आज मेरा फिश डे है और एक और भी मछली मैं तल रही हूँ। मुझे मछली बहुत अच्छी लगती है, आसिफ साहब को वैसे कम अच्छी लगती है मछली। तो अब मैंने कहा कि गरम गरम रोटियां बनाऊं क्योंकि मैं मछली तल रही हूं तो फिर उससे गरम रोटी ही ज़्यादा सही लगेगी। और सर्दियों में वैसे मैं दोपहर की रोटियां दोपहर में बना लेती हूं, रात की रोटियां फिर मैं ताज़ी गरम करती हूं और ठंडक होती है, इस वजह से किचन में रहने में भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो आराम से हो जाती हैं। मगरिब की नमाज़ें भी जल्दी हो जाती हैं तो सारी नमाज़ें पढ़ के फटाफट रोटियाँ भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी और फिर जो मैं करूँगी वो आपको किस वो शेयर करूँगी ज़रूर। मेरे पास 3 पीस थे छोटी फिश के, जो फ्राई फिश होती है इसमें ज़्यादा कांटा नहीं होता है, साइडों में थोड़े से कांटे होते हैं और ये तलने ही वाली होती है और इसको पूरी तल के खाई जाती है मसाले लगा के। और इसमें मैंने दही और लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल के और रख दिया था। आज समझे कि मैंने जो है वो फिश डे ही बना लिया है और ये मैं 3 ही पीस लाई थी, तो मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ और मुझे फ्राई फिश भी बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये 3 ही पीस थे मेरे पास, तो मैंने कहा डिनर में इसको भी, मैंने सुबह मसाले लगाए थे मेरी फिश करी में तो मैंने इसमें भी थोड़े मसाले लगा लिए थे और मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एक फिश डाल दूँगी, इसमें एक एक करके तले हैं, या आपका कढ़ाई जो है थोड़ी सी बड़ी है तो दो दो करके तले हैं हम। और ये थोड़ा डीप फ्राई में तली जाती है, शैलो फ्राई में ये नहीं तली जाती है। ये तो बाहर खाते हैं तली हुई फिश, ये वही है जो आप जाकर फिश जो तली हुई खाते हैं ये वही है, ये चिपकेगी नहीं, कढ़ाई से लगेगी नहीं और ये आराम से तल भी जाएगी। हाँ जी, तो फिश हो गई है मेरी फ्राई माशाल्लाह, चाट मसाला मैंने डाल दिया है और बेहतरीन से फिश फ्राई हो गई। आज मैंने फिश डे मना लिया पूरा जी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई होंगी, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ कल इंशाल्लाह एक नए और अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।
बाय।